हलचल में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं नागपुर की विविध हलचल पर। मंगलवार को नागपुर महानगर पालिका द्वारा शहर में शुरू किए गए अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों का मनपा आयुक्त और प्रशासक राधाकृष्णन बी ने दौरा किया। इस दौरान उन्होंने छात्रों से बातचीत की और शिक्षकों द्वारा उनकी शैक्षणिक प्रगति की समीक्षा की। इस अवसर पर नागपुर महानगर पालिका के शिक्षा अधिकारी प्रीति मिश्री कोटकर, समन्वयक विनय बागले और आकांक्षा फाउंडेशन के सोमसुरवा चटर्जी उपस्थित थे। नागपुर शहर के होनहार गरीब जरूरतमंद छात्रों को अंग्रेजी माध्यम की मुफ्त शिक्षा दिए जाने से वे अपने सपनों को साकार करने में सक्षम होंगे। इस उद्देश्य से नागपुर महानगर पालिका ने अंग्रेजी मीडियम स्कूलों की अवधारणा को साकार रूप दिया था। अब इन स्कूलों में नन्हे बच्चों की गिलकारियां गूंजने लगी है। मनपा की पहल पर रानी दुर्गावती प्राइमरी स्कूल उत्तर नागपुर, बाबुलबन मराठी प्राइमरी स्कूल पूर्व नागपुर, बाबूराव जी बोबड़े मराठी प्राइमरी स्कूल दक्षिण पश्चिम नागपुर, रामनगर मराठी प्राथमिक विद्यालय पश्चिम नागपुर, रामभाऊ मालगीनगर मराठी प्राइमरी स्कूल दक्षिण नागपुर और स्वर्गीय गोपालराव मोटगरे हिंदी उच्च प्राथमिक विद्यालय मध्य नागपुर, यह 6 विधानसभा क्षेत्रों में 6 अंग्रेजी माध्यम स्कूल शुरू किए गए। इन स्कूलों में छात्रों का नामांकन शुरू होते ही अभिभावकों ने अच्छा प्रतिसाद दिया। पूर्व ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि महाविकास आघाड़ी सरकार ने लगभग 13% तक बिजली की दर बढ़ा दी है। यह अब तक राज्य के इतिहास में सबसे अधिक बढ़ोतरी है। उन्होंने कहा कि उद्योगों के लिए करीब 25 और घरेलू ग्राहकों के लिए 15% तक बिजली दर बढ़ोतरी का झटका इस सरकार ने दिया है। यह महावितरण, महानिर्मिति और महापारेषण में नियोजन शून्य कार्य प्रणाली का परिणाम है, जिसका बोझ आम नागरिकों पर लादा गया है। उन्होंने कहा कि तीनों कंपनियों में दिसंबर, जनवरी, फरवरी महीनों में जो अधिक खर्च किया गया है उसे वसूलने के लिए ऊर्जा विभाग ने दर बढ़ाई है। यह अधिक खर्च जनता से वसूल करने का प्रयास है। बावनकुले ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस सरकार ने नीतिगत तरीके से कोयला का नियोजन किया था, तब राज्य लोड शेडिंग मुक्त हुआ था, लेकिन अब ऊर्जा मंत्रालय में कोयले का नियोजन ही नहीं है। 3 महीनों से कोयला वितरण कंपनी महावितरण से संपर्क कर कोयले का स्टॉक रखने की सलाह दे रही थी, लेकिन महावितरण ने इस ओर से दुर्लक्ष्य किया। अब अधिक पैसे देकर बाजार से बिजली खरीदना पड़ रहा है। दुर्भाग्य से इसका हर्जाना जनता को भुगतना पड़ रहा है। विगत 40 वर्षों से श्री माहेश्वरी युवक संघ नागपुर द्वारा रामनवमी पर भव्य कार्यक्रम में प्रसाद का वितरण किया जा रहा है। कोरोना काल के लगभग 2 वर्ष बाद सब युवा साथियों को यह उत्सव धूमधाम से मनाने का अवसर प्राप्त हुआ। प्रसाद वितरण का सफल आयोजन हेतु प्रभारी नारायण सारडा, संयोजक गोविंद झवर, सहसंयोजक आशीष जाखुटिया, संस्था अध्यक्ष मनोज लोया, सचिव नितेश भट्टड़, जितेंद्र माहेश्वरी, कृष्णा बान्ना, निकेश बंग, सचिन सोनी, भरत काकानी, सुशील मोदानी, कपिल भंसाली, श्रीनाथ चांडक, कपिल काकानी, महेश बजाज, आनंद सारडा, पवन बजाज, प्रदीप मंत्री, श्री माहेश्वरी युवक संघ के पूर्व अध्यक्ष गिरिराज बियानी, गोपाल मंत्री, कमल कलंत्री, गिरधर चांडक, सतीश बियानी, शरद सोनी, हरेश सोनी, जगदीश बंग, संदीप साबू, ब्रिजगोपाल दरक, श्री भगवान भंसाली, सुधीर सोनी, बनवारी भुतड़ा, महेश बजाज, यश भंडारी, अनुज काबरा, यह आसावा, सभी युवा साथियों एवं समस्त समाज बंधुओं ने अथक प्रयास किए। प्रसाद वितरण के दौरान घासीराम मालू, मधुसूदन सारडा, जिला माहेश्वरी सभा के अध्यक्ष दिनेश राठी, योगेश नावंधर, शशिकांत काबरा, अमित रूठिया, नगर माहेश्वरी सभा सचिव सोम प्रकाश मंत्री, जेपी शर्मा, मनोहर चिकटे आदि सदस्यगण उपस्थित थे। रामनवमी पर प्रसाद वितरण एवं अन्य गतिविधियों की जानकारी संस्था के प्रचार मंत्री आदर्श सोनी ने दी। बेली शॉप रेलवे कॉलोनी कामठी रोड स्थित प्राचीन श्री शिव मंदिर में राम जानकी विवाह संपन्न हुआ। रामनवमी के अवसर पर राम जी के जन्म का उत्सव मनाया जाता है। उसके पश्चात दूसरे दिन राम जानकी विवाह व पट्टाभिषेक किया जाता है। इस अवसर पर वर पक्ष राम जी की ओर से पी विजय कुमार, पी उषा परिवार व वधु पक्ष सीता जी की ओर से जगदीश व चैताली सोनी परिवार ने विवाह की शुरुआत नाग मंदिर से राम जी की अष्टधातु की 1.5 फीट ऊंची अभिषेक विग्रह की बड़ी धूमधाम से बारात निकाली गई। मंदिर परिसर में जगदीश सोनी व चैताली सोनी ने बारात का स्वागत किया। तत्पश्चात विवाह की संपूर्ण विधि पंडित राजेश द्विवेदी व पंडित कृष्ण मुरली पांडे ने संपन्न कराई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुगण उपस्थित थे। नवरात्र उत्सव व रामनवमी उत्सव का समापन घट विसर्जन व महाप्रसाद वितरण से किया गया। हजारों भक्तों ने महाप्रसाद का लाभ लिया। कार्यक्रम के सफलतार्थ वीरेंद्र झा, डॉक्टर प्रवीण डबली, पी सत्याराव, जुगल किशोर शाहू, शरद शर्मा, उमेश चौकसे, चित्रा झा, प्रेमलाल यादव, के गणेश, श्रीकांत रॉय, दीपांकर पॉल, रमेश पटनायक, अभय शर्मा, श्रवण शर्मा, विजय शर्मा सहित युवा सदस्यों व श्रद्धालु अथक प्रयास कर रहे हैं।
खादी ग्रामोद्योग मंडल के केंद्रीय सदस्य जयप्रकाश गुप्ता से भारतीय जनता पार्टी कामगार आघाड़ी नागपुर महानगर के प्रतिनिधि मंडल ने मिलकर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी और खादी के विविध योजना के बारे में तथा नागपुर के युवकों के रोजगार संबंधित विषयों पर चर्चा की। जल्द ही आयोग की ओर से रोजगार के प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाएंगे, यह आश्वासन जयप्रकाश गुप्ता ने दिया। बधाई देने के लिए भाजपा कामगार आघाड़ी नागपुर महानगर के अध्यक्ष भास्कर पराते, भारतीय जनता युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष यश पांडे, प्रवीण शिरपुरकर, अमृत भानुसे, विजय पवनीकर, अनिल खालगुने, नितेश मांडवकर, अन्य पदाधिकारीगण उपस्थित थे। नंदनवन स्थित श्यामधाम मंदिर में एकादशी उत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर कलकत्ता के फूलों से बाबा की छवि का अलौकिक श्रृंगार किया गया। सुबह 7 बजे निशान यात्रा, श्याम बाबा की जयकार के उद्घोष व भजनों के साथ हनुमान नगर से निकलकर श्यामधाम पहुंची। बड़ी संख्या में श्याम प्रेमियों ने निशान यात्रा में भाग लिया। सभी भक्तों ने कीर्तन का खूब आनंद लिया। रात 8 बजे से सुमधुर श्याम भजनों का आयोजन किया गया। श्याम प्रेमियों ने बड़ी संख्या में उपस्थित रहकर भजनों का आनंद उठाया। मंदिर में दिन भर दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। रात को आरती व प्रसाद वितरण के पश्चात उत्सव का समापन हुआ। हाल ही में सिंधी युवा संगठन सामाजिक संस्था की ओर से जरीपटका पुलिस स्टेशन के नवनियुक्त वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक संतोष बाकल का सत्कार किया गया और उन्हें आगे के कार्यों के लिए शुभकामनाएं दी गई। इस अवसर पर सिंधी युवा संगठन के अध्यक्ष अशोक आहूजा, उपाध्यक्ष किशन बालानी, महासचिव दयाल चंदवानी, संगठन की महिला विंग की प्रमुख हेमा चेलानी, संगठन के सदस्य जगदीश खुशालानी, निर्मल खुशीरामानी आदि उपस्थित थे। श्री चंद्रप्रभु दिगंबर जैन मंदिर बड़कस चौक महल नागपुर में जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से 5वें तीर्थंकर भगवान सुमितनाथ का जन्म तप मोक्ष कल्याणक बड़े उत्साह से मनाया गया। सुबह 7:30 बजे से अभिषेक, शांतिधारा, पूजन विधान, निर्वाण लाडू चढ़ाया गया। इस अवसर पर प्रथम अभिषेक शांतिधारा का सौभाग्य राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुमतलल्ला जैन नागपुर, भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ संरक्षणी महासभा दिल्ली, लाडू बनाने का चढ़ाने का सौभाग्य राजेश्वरी लल्ला, सुधा चौधरी, तनु शशांक लल्ला एवं अन्य श्रद्धालुओं को मिला। इस अवसर पर अध्यक्ष पवन कांजीवाड़ा, उपाध्यक्ष निर्मल मोदी, कोषाध्यक्ष चंद्रकुमार चौधरी, संगठन मंत्री दिनेश जैन, शीतल प्रसाद, राजपाल सिंगई, विजय बड़कुर, शैलेंद्र जैन, अमित जैन, प्रिंस जैन, अभिषेक जैन, लकी जैन, धर्मेंद्र मोदी, रब्बू बड़कुर, संतोष जैन, कमलेश जैन, आदित्य जैन, अविनाश जैन, महिला मंडल नेहा जैन, संगीता जैन, मंजूषा मोदी, सुनंदा मोदी, सुनीता जैन, समता जैन आदि ने उपस्थित रहकर धर्मलाभ लिया। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर की जयंती के अवसर पर महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर का जीवन और व्यक्तित्व एक पुनर्पाठ, इस विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। संगोष्ठी की अध्यक्षता कुलपति प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ल करेंगे। सुबह 9:30 बजे समता भवन प्रांगण में स्थित डॉक्टर बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का प्रारंभ होगा। विश्वविद्यालय के कस्तूरबा सभागार में सम्मिश्र पद्धति से सुबह 10 बजे से आयोजित संगोष्ठी में प्रतिकुलपति प्रोफेसर हनुमान प्रसाद शुक्ल, संस्कृति विद्यापीठ के अधिष्ठाता प्रोफेसर लीला कारुण्यकरा, हिंदी एवं तुलनात्मक साहित्य विभाग के प्रोफेसर कृष्ण कुमार सिंह, दूर शिक्षा निदेशालय के निदेशक डॉक्टर के बालराजू संबोधित करेंगे। प्रास्ताविक भाषण व स्वागत वक्तव्य जनसंचार विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर कृपाशंकर चौबे देंगे। कार्यक्रम का संचालन दूर शिक्षा निदेशालय के सहायक अध्यापक डॉक्टर संदीप मधुकर सपकाले करेंगे तथा धन्यवाद ज्ञापन हिंदी एवं तुलनात्मक साहित्य विभाग के सहायक अध्यापक डॉक्टर सुनील कुमार सुमन प्रस्तुत करेंगे। यातायात पुलिस ने मोटर वाहन अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कुल मिलाकर 3,565 वाहन चालकों पर कार्रवाई की और उनसे कुल मिलाकर 2,28,000 रुपये का जुर्माना वसूला। इसी तरह मुंबई शराबबंदी अधिनियम के अंतर्गत 7 मामलों में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनसे 11,000 रुपये का सामान जब्त किया गया है। इसके अलावा जुआ अधिनियम के अंतर्गत 5 मामलों में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनसे 30,000 रुपये का जुर्माना वसूला गया। उपरोक्त सभी ऑपरेशन संयुक्त रूप से नागपुर सिटी पुलिस द्वारा किए गए थे। ट्रैफिक विभाग ने यह आह्वान किया है कि नागरिक वाहन चलाते समय वाहन से संबंधित सभी दस्तावेज अपने पास रखें। क्रांति सूर्य महात्मा ज्योतिराव फुले की जयंती के उपलक्ष्य में सोमवार सुबह 8:30 बजे महात्मा फुले शिक्षण संस्थान रेशिमबाग नागपुर एवं माली महासंघ नागपुर के तत्वावधान में स्कूटर रैली निकाली गई। संस्था अध्यक्ष प्रोफेसर अरुण पवार के हाथों संस्था के प्रांगण में स्थित महात्मा फुले व सावित्रीबाई फुले की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर
रैली की शुरुआत की गई। रैली का समापन कॉटन मार्केट स्थित महात्मा फुले व सावित्रीबाई फुले की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ हुआ। रैली में प्रमुख रूप से माली समाज के सभी संगठनों के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। संविधान के निर्माता भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की 131वीं जयंती के उपलक्ष्य में आज रात 10 बजे पूज्य भदंत सुरेश ससाई के नेतृत्व में इंदोरा बुद्ध विहार से अभिवादन रैली निकाली जा रही है। इस रैली में बड़ी संख्या में दोपहिया व चार पहिया वाहन पर सवार श्रद्धालुगण शामिल होंगे। अखिल भारतीय धम्म सेना, भिक्कु भिक्कुनी महासंघ, उपासक उपासिका संघ, इंदोरा बुद्ध विहार महिला मंडल व सभी बौद्ध अनुयायी इस रैली में हिस्सा ले रहे हैं। संविधान चौक में स्थित डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की प्रतिमा पर अंतर्राष्ट्रीय धर्मगुरु महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के प्रणेता डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर स्मारक समिति दीक्षाभूमि नागपुर के अध्यक्ष धम्मसेना नायक भदंत आर्य नागार्जुन सुरेश ससाई माल्यार्पण करेंगे और उनके नेतृत्व में ही ये अभिवादन रैली आयोजित की जा रही है। 14 अप्रैल को रात 12 बजे पुष्पमाला अर्पण कर हजारों की संख्या में बौद्ध अनुयायी डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का अभिवादन करेंगे। महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल के उपाध्यक्ष और थैलेसीमिया व सिकल सेल सेंटर के संचालक डॉक्टर विंकी रुगवानी ने राष्ट्र संत तुकड़ोजी महाराज नागपुर विद्यापीठ के उपकुलपति डॉक्टर सुभाष चौधरी से मुलाकात की। डॉक्टर विंकी रुगवानी ने डॉक्टर सुभाष चौधरी को थैलेसीमिया व सिकल सेल इस बीमारी के बारे में अवगत कराया तथा थैलेसीमिया व सिकल सेल के मरीजों को होने वाली परेशानियों के बारे में अवगत कराया। डॉक्टर विंकी रुगवानी ने बताया कि थैलेसीमिया व सिकल सेल ये बीमारी को पूरी तरह से रोका जा सकता है। इसके लिए हर विद्यार्थी की थैलेसीमिया व सिकल सेल ट्रेट की जाँच की जाए तो उन्हें ऐसी संतान पैदा नहीं होगी जिन्हें जिंदगी भर तकलीफ होगी। डॉक्टर विंकी रुगवानी ने उपकुलपति को अनुरोध किया है कि विद्यापीठ के अंदर आने वाले सभी महाविद्यालय छात्रों के लिए थैलेसीमिया व सिकल सेल की जांच अनिवार्य की जाए ताकि इन विद्यार्थियों के परिवार में ऐसा बच्चा पैदा न हो जिसे जिंदगी भर रक्त देना पड़े। उपकुलपति डॉक्टर सुभाष चौधरी ने डॉक्टर विंकी रुगवानी की बातों को अच्छी तरह समझा और सभी महाविद्यालय के विद्यार्थियों को थैलेसीमिया व सिकल सेल ट्रेट की जाँच अवश्य करवाने के निर्देश दिए जाएंगे ऐसा आश्वासन दिया। इस अवसर पर डॉक्टर संतोष कस्बेकर भी उपस्थित थे। वाड़ी क्षेत्र में लेक व्यू सोसाइटी के सैकड़ों परिवार दूषित पानी की समस्या से पिछले कई दिनों से जूझ रहे हैं। क्षेत्र में जलापूर्ति के लिए जिम्मेदार नगरपालिका या महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण प्रशासन को बार बार शिकायत करने के बावजूद भी इस विषय पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। निकटवर्ती लाइफस्टाइल सोसाइटी में भी पीने के पानी की आपूर्ति अपर्याप्त थी और कम दबाव में पानी आने के कारण नागरिकों को पीने के पानी की कमी हो रही थी। लेक व्यू सोसाइटी के अध्यक्ष संजय गोयल और लाइफस्टाइल सोसाइटी की सचिव पूजा गोयल ने हाल ही में विधायक समीर मेघे के साथ पूर्ववाड़ी नगर पार्षद और सामाजिक कार्यकर्ता राकेश मिश्रा की मौजूदगी में मुलाकात कर लेक व्यू सोसाइटी और लाइफस्टाइल सोसाइटी के नागरिकों के जलापूर्ति समस्या के बारे में शिकायत की। पिछले कई महीनों से नागरिकों को हो रही दिक्कतों की जानकारी दी। विधायक समीर मेघे ने तुरंत शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्राधिकरण के अधिकारियों ने दूषित जल की समस्या की भी जाँच की और पानी के नमूने लेकर उसकी जाँच प्रक्रिया प्रारंभ की। महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण ने आश्वासन दिया है कि अगले दिन से चार दिनों में दूषित जल की समस्या का समाधान किया जाएगा। परिमंडल 4 के डीसीपी नूरुल हसन ने त्योहारों के मौके पर आपसी भाईचारा व शांति बनाए रखने के मकसद से सिद्धेश्वर सभागार में जो संबोधन दिया उसे सुनकर कई लोग दंग रह गए। रामनवमी, रमजान ईद, बाबा साहेब आम्बेडकर जयंती, गुड फ्राइडे आदि पर्व को लेकर जोन 4 में शांति सभा आयोजित की गई थी जिसे डीसीपी नूरुल हसन ने संबोधित किया। सभी धर्मों के बारे में उनके ज्ञान को देखकर लोग दंग रह गए। कार्यक्रम में अजनी के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सरेन दुर्गे उपस्थित थे। डीसीपी हसन ने धर्मों का महत्व बताते हुए आने वाले सभी पर्व शांतिपूर्वक मनाकर पुलिस व समाज का सहयोग करने की मार्मिक अपील की। डीसीपी नूरुल हसन ने इस अवसर पर उपस्थित मान्यवरों को कहा कि आज वे एक वरिष्ठ पुलिस अफसर है तो इसके लिए उनकी मेहनत के अलावा डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर द्वारा दिया गया संविधान और कार्य प्रणाली है। दरअसल हसन एक अत्यंत साधारण परिवार में पले बड़े हैं। पुलिस फोर्स एवं अन्य सुरक्षा बलों में देश के सभी समुदायों के लिए समान अवसर प्रदान किया जाता है। डॉक्टर आम्बेडकर की इसी देन की वजह से आज वे और उनके जैसे अन्य साधारण लोग सफलता के शिखर तक पहुंच पाए हैं। धारस्कर रोड इतवारी स्थित बालकृष्ण लाल जी हवेली में श्री गोविंद राय जी महाराज श्री की कृपा से श्री हरि राय महाराज श्री की प्रेरणा व आज्ञा से श्री जय वल्लभ लाल जी महोदय श्री के सानिध्य में हवेली में 16 व 17 अप्रैल 2022 को उत्सव आयोजित किया जा रहा है जिसमें 16 को राजभोग में फूल मंडली के दर्शन सुबह 11:30 बजे, शयन दर्शन में भोजन थाली मनोरथ के दर्शन शाम 7 बजे व कीर्तन समाज रात्रि 9:15 बजे होगा।
17 तारीख रविवार को राजभोग में फूल मंडली के दर्शन सुबह 11:30 बजे व महाराज श्री के वचनामृत शाम 4:30 बजे, शयन दर्शन में कमल तलाई मनोरथ के दर्शन शाम 7 बजे होंगे। श्रद्धालुगण हवेली में संपर्क कर सकते हैं। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने का अनुरोध आयोजकों ने श्रद्धालुओं से किया है। हवेली ट्रस्ट ने सभी वैष्णवों से इस 2 दिवसीय उत्सव का लाभ लेने के निवेदन किया है। संस्कृत एक प्राचीन भाषा है, कई भाषाओं की गंगोत्री संस्कृत है। इस भाषा को लोकप्रिय बनाया जाना चाहिए। उक्त विचार व्यक्त करते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि जब तक ये भाषा आधुनिक ज्ञान की भाषा नहीं बन जाती तब तक इसका प्रचार और प्रसार संभव नहीं है। वे शहर में कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित पंकजश्री पुस्तक के विमोचन समारोह के अवसर पर बोल रहे थे। कार्यक्रम में डॉक्टर पंकज चांदे, रजिस्ट्रार रामचंद्र जोशी, प्रोफेसर कविता होल, प्रोफेसर डॉक्टर नंदापुरी आदि मौजूद थे। गडकरी ने कहा कि डॉक्टर पंकज चांदे और मेरे बीच पुरानी मित्रता है। मैं उनके संपर्क में तब आया जब वे नागपुर विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग में प्रोफेसर थे। भारतीय समाज को संस्कृत भाषा के महत्व को समझाने में विफल होने का दुख भी गडकरी ने व्यक्त किया। आज जर्मनी में संस्कृत भाषा में हमारे देश से ज्यादा शोध और अध्ययन चल रहा है। गडकरी ने कहा कि भारतीय समाज के लिए जरूरी है कि संस्कृत का ज्ञान जन जन तक पहुंचे। तत्कालीन मुख्यमंत्री सुधाकर राव नाइक और दिवंगत डॉक्टर श्रीकांत जिचकार ने इस विश्वविद्यालय के लिए अमूल्य योगदान दिया है। इस विश्वविद्यालय के शुरुआती दिन कठिन थे लेकिन आज ये देश के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में से एक है। सामाजिक कार्यकर्ता मनोज अग्रवाल एवं केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नंदनवन नागपुर में संचालित क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान के डॉक्टर मिलिंद सूर्यवंशी प्रभारी सहायक निर्देश के अथक प्रयास से श्री महेश्वर वान प्रस्थाश्रम में मुफ्त हेल्थ चेकअप एवं कैंप व दवा वितरण शिविर का आयोजन किया गया। संस्थान के नंदनवन नागपुर स्थित कार्यालय के सहायक निदेशक के दिशा निर्देशों के अनुसार ये स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में डॉक्टरों द्वारा सभी मरीजों की जांच जैसे हीमोग्लोबिन, शुगर, ब्लड प्रेशर, घुटने के दर्द वगैरह की जांच की गई और उन्हें आयुर्वेद औषधि वितरित की गई। ये वान प्रस्थाश्रम उज्जवल गोरक्षण ट्रस्ट के अंतर्गत अनेक वर्षों से चलाया जा रहा है। इस शिविर में गोरक्षण के निवासी कर्मचारियों का भी स्वास्थ्य की जांच कर उन्हें औषधि के साथ च्यवनप्राश एवं अश्वगंधा वटी दी गई। सबसे पहले डॉक्टर सूर्यवंशी ने सभी को आयुर्वेद के जीवन शैली के बारे में बताया और भगवान से सभी के बेहतर स्वास्थ्य को मंगल करने की कामना की। सामाजिक कार्यकर्ता मनोज अग्रवाल वान प्रस्थाश्रम ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष रमाकांत सारडा, उज्जवल गोरक्षण ट्रस्ट अध्यक्ष महेंद्र कटारिया, मंत्री नरेंद्र लाहोटी शिविर में उपस्थित थे। उज्जवल गोरक्षण ट्रस्ट अध्यक्ष द्वारा डॉक्टर सूर्यवंशी का सत्कार किया गया। सामाजिक, शैक्षिक व सांस्कृतिक क्रांति की लौ प्रज्वलित करने वाले महान समाज सुधारक क्रांति सूर्य महात्मा ज्योतिबा फुले की 195वीं जयंती सोमवार को नागपुर सुधार प्रन्यास के मुख्यालय में मनाई गई। नागपुर सुधार प्रन्यास के अध्यक्ष मनोज कुमार सूर्यवंशी ने महात्मा ज्योतिबा फुले की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनका अभिवादन किया। इस अवसर पर अपर आयुक्त अविनाश कठाड़े, नागपुर सुधार प्रन्यास के महाप्रबंधक निशिकांत सुके, नगर नियोजन विभाग के सह निदेशक आर डी लांडे, अधीक्षण अभियंता लीना उपाध्याय, अधीक्षण अभियंता प्रशांत भंडारकर, कार्यपालन यंत्री मेघराजानी, स्थापना अधिकारी एवं मुख्य प्रशासनिक अधिकारी योगीराज अवधूत, सहायक अभियंता जागृति जोड़े एवं नागपुर सुधार प्रन्यास के अन्य अधिकारी तथा कर्मचारीगण उपस्थित थे। आज 15 प्लस और 45 प्लस आयु वर्ग के सभी नागरिकों का कोविशील्ड का टीकाकरण नागपुर महानगर पालिका के साथ साथ सरकारी केंद्रों पर होगा। टीकाकरण का समय शाम के 5 बजे तक होगा। टीकाकरण के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पद्धतियों से पंजीकरण किया जा सकता है। इसी तरह ड्राइव इन वैक्सीनेशन केंद्रों पर भी 15 वर्ष और 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों को कोविशील्ड के जरिए टीकाकरण किया जाएगा। ये जानकारी चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संजय चिलकर ने दी है। इसी तरह 15 प्लस और 45 प्लस आयु वर्ग के नागरिकों के लिए कोवैक्सीन का पहला और दूसरा डोज मेडिकल कॉलेज, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर अस्पताल कामठी रोड व स्वर्गीय प्रभाकर दट के मनपा महाल रोग निदान केंद्र, एम्स आइसोलेशन अस्पताल इमामबाड़ा, इंदिरा गांधी अस्पताल गांधीनगर, मनपा श्री अस्पताल पांच पावली और प्रगति हॉल दिघोरी में उपलब्ध है। तो नागपुर हलचल में आज इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज़। नमस्कार।